छात्रों नमस्कार, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटल 12। बच्चों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पेपर प्रथम के टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। इनका मूल नाम था जूना खान। ये बहुत ही विद्वान सुल्तान है, लेकिन इन्होंने जो भी योजनाएं बनाई प्रजा के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, वो योजनाएं असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से इन योजनाओं को अंजाम देने में कोई कमी नहीं रखी गई, लेकिन फिर भी ये योजनाएं असफल हुई। कुछ विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण मानते हैं, और एल्फिंस्टन नामक जो इतिहासकार है वो इसमें पागलपन का अंश मानते हैं। कुछ भी हो, सुल्तान ने एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाई, लेकिन ये योजनाएं सफल रही। किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। इन योजनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे। जो पहली योजना है वह थी उनकी कृषि विभाग का गठन। कृषि विभाग को दीवाने को ही कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजकोष को भरने के लिए दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अलग से कृषि विभाग की स्थापना की। बरनी जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि सुल्तान ने अपने अधिकारियों को समस्त राशि देकर योजना को क्रियान्वित करने के लिए भेज दिया, लेकिन सुल्तान ने जब 2 वर्ष बाद इस योजना का निरीक्षण किया तो समस्त राशि खर्च हो चुकी थी। सुल्तान अपनी योजना को असफल होता हुआ देखकर घबरा गया और उसने अपनी इस योजना को समाप्त कर दिया। अगली जो उनकी योजना है दोआब में करवर्दी, मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना दोआब में करवर्दी थी। दोआब गंगा व यमुना के बीच का समस्त क्षेत्र था। सुल्तान ने अपने राजकोष को भरने के लिए दोआब में करों की वृद्धि कर दी, जहां सर्वाधिक राजस्व वसूल किया जाता था हिंदुस्तान का। लेकिन जब उसने दोआब में कर बढ़ाया, उसी वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, सूखे के कारण जनता कृषि कार्य को छोड़कर लूटमार का पैसा अपनाने लगी। सुल्तान इस वास्तविकता को देखकर घबरा गया, दुखी हुआ। उसने करों को माफ कर दिया और कृषि कार्य पुनः प्रारंभ करने के लिए तकाबी ऋण बांटे। इस प्रकार यह योजना भी असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने की थी। दौलताबाद का दूसरा नाम देवगिरी था। राजधानी परिवर्तन का पहला कारण था सुल्तान दक्षिण भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और जो दूसरा कारण था वह अपनी राजधानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था। सुल्तान ने राजधानी को दक्षिण भारत में सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था, और तीसरा कारण था दक्षिण भारत में हिंदू राज्य अत्यधिक धन संपन्न थे, अतः सुल्तान इन राज्यों को संपत्ति का उपयोग करना चाहता था। सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी बनाने की सोची और सारी जनता को दिल्ली से रवाना होने के लिए कह दिया, लेकिन जो पूरी जनता थी वो वहां नहीं पहुंच सकी दक्षिण में, और रास्ते में ही
कुछ लोग रह गए और उसकी राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल हुई। चौथी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सुल्तान की अगली योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग करने की थी। इस मुद्रा की प्रेरणा उसे चीन के सम्राट से प्राप्त हुई। अतः सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक भी मुद्रा में परिवर्तन करके अपने रिक्त राजकोष को भरना चाहता था। सुल्तान ने राज्य में सोने और चांदी के सिक्कों पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके स्थान पर पीतल और तांबे के सिक्के लागू कर दिए। सुल्तान के द्वारा राज्य की जनता को आदेश दिया गया कि राज्य में सांकेतिक मुद्रा को अनिवार्य कर दिया, लेकिन सुल्तान की योजना पूर्णतः असफल रही। असफलता का प्रमुख कारण बताते हुए इतिहासकार बने लिखते हैं कि सुल्तान के द्वारा प्रचलित सांकेतिक मुद्रा का आकार प्रकार इतना साधारण था, यदि कोई भी व्यक्ति इन सिक्कों का निर्माण कर सकता था। बर्नी के अनुसार हिंदुओं ने अपने घर में टकसाले खोल ली और सिक्कों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। यह योजना भी असफल हो गई। पांचवी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की थी, कराजल विजय की योजना। इसके तहत उसने 2.5 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की और स्वयं सुल्तान राजधानी से कराजल की ओर रवाना हुआ। लेकिन मार्ग की अत्यधिक सर्दी और गर्मी को सुल्तान के सैनिक सहन नहीं कर पाए। आधे तो सैनिक मार्ग में मारे गए और कुछ बचे खचे कराचल पहुंचे। पहुंचते पहुंचते इतने ज्यादा थक चुके थे कि कराचल पर आक्रमण करने का साहस नहीं बचा था। बाध्य होकर सुल्तान ने कराचल पर आक्रमण करने की योजना को त्याग दिया और पुनः राजधानी की ओर प्रस्थान किया। लेकिन इस अभियान से लौटते समय सुल्तान के पास केवल 16 सैनिक ही जीवित बचे थे। इस प्रकार यह योजना भी असफल हो गई। अंतिम योजना उसकी थी खुरासान विजय की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना खुरासान विजय की थी। खुरासान मध्य एशिया में छोटा सा राज्य था जिस पर आज तक दिल्ली के किसी सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया था। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने इतिहास में अपना नाम करने के लिए खुरासान विजय की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की और 2.5 लाख सैनिकों का एक विशाल सेना तैयार की। उसे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण सुल्तान योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका और सैनिकों को दिया गया 1 वर्ष का अग्रिम वेतन व्यर्थ चला गया और सुल्तान की ये योजना भी असफल रही। धन्यवाद।